नमस्कार दर्शकों दर्शकों आज हम बात करेंगे नवरात्रों में किए जाने वाले विशेष उपायों पर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि यदि आपको धन की कमी हो या कर्ज से मुक्ति चाहिए या स्वास्थ्य की परेशानी चल रही हो या किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही हो तो उसके लिए विशेष उपाय बताया है। अब मैं नवरात्रों में एक विशेष उपाय पर चर्चा करूंगा। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को शत्रु बहुत परेशान करते हैं। बेमतलब का शत्रुओं का भय रहता है, आपको लगता है कि किसी शत्रु के द्वारा हम पर कोई तंत्र किया गया है, हम पर किसी तरह का कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसके कि हमें दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही है, आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हो, तो आपको इन नवरात्रों में एक विशेष उपाय करना चाहिए। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे आपको आपका समाधान मिल जाएगा, आपका शत्रु परास्त होगा और आपका मित्र बन जाएगा। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं इस उपाय से। बिल्कुल छोटा सा उपाय है, आपको ये उपाय लगातार 9 दिन तक करना चाहिए। पहले नवरात्रे से शुरू करें या जब भी आप ये प्रोग्राम नवरात्रों में देखें उसी दिन से लगातार ये 9वें नवरात्रे तक आपको करना है। इसमें करना क्या है मित्रों, सबसे पहले एक तो आपको नारियल चाहिए, हर रोज नया नारियल लेना है जिसके अंदर जल हो, हरा नारियल बोलते हैं जिसको, माता की पूजा के लिए काम में लिया जाता है, वो नारियल लेना है आपको। एक चाहिए आपको काला धागा, काला धागा जो है कॉटन का सूती धागा लेना है मोटे वाला। आपको पहले तो नारियल को शुद्ध कर लें, गंगा जल से स्नान करवा लें, उसके बाद आप जो भी कार्य, आपकी जो भी समस्या है, आपका शत्रु है, आप उसका नाम का उच्चारण करते हुए एक धागा, करीबन 1 से 2 फीट का आप धागा ले लें, उसमें आपने 21 बार शत्रु का नाम लेना है और एक गांठ उस धागे पर बांध देनी है शत्रु के नाम से। ऐसा करते हुए आपने ये 21 गांठें बांधनी है। बांधने के बाद वो जो धागा है आपने उस नारियल के ऊपर अच्छी तरह से आपने लपेट देना है। लपेटने के बाद आपको वो नारियल ले जाकर के माता काली के चरणों में, माता चामुंडा के चरणों में या माता दुर्गा के चरणों में चढ़ाना है। चढ़ा करके आपने प्रार्थना करनी है कि माता, मैंने जो भी मेरा शत्रु है वो आपके यहाँ पर उसका नाम लेते हुए ये उपाय कर दिया है, उसे यहीं पर रख दिया है, आप उसे परेशानियां जो दे रहा है मेरे वो दूर करें, शत्रु को मित्र बनाएं, या कम से कम मित्र नहीं बन सकता तो मेरे को परेशान ना करें, मेरे को जो भी समस्याएं वो दे रहा है मेरा शत्रु मेरे से दूर चला जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको हर रोज ये कार्य करना है और माता के चरणों में जाकर के आपने जोत जलानी है। जोत देसी घी की आप बत्ती ले जाएं, बना करके आटे का दिया बनाएं और वहां जाकर जला दें। बस ये उपाय आपने करना है। उसके साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या जो भी आप माता का गुणगान करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, गुरु का मंत्र जाप करना चाहते हैं वो करें। मित्रों है तो एक छोटा सा उपाय लेकिन कारगर बहुत है, शत्रु इससे नियंत्रण में आ जाएंगे आपके, आपको परेशानी नहीं देंगे। ये उपाय आप करें और इसका रिजल्ट देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद मैंने जो पहले वीडियो बनाई है आप उसमें ये देखें कि मैंने सभी समस्याओं के लिए विशेष बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ शत्रु जिनको परेशान कर रहे हैं उनके लिए है। तो अवश्य ये नवरात्रों में आप उपाय करें और लाभ होगा जरूर आपको, विश्वास रखें और मुझे फोन करके बताएं भी कि आपको कितने % आपके शत्रु ने परेशान करना छोड़ दिया है। तो अवश्य करें। जय माता दी।